चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। बांग्लादेश में जब मैं 2015 में आया था तो मां ढाकेश्वरी के चरणों में शीश झुकाने का अवसर मिला था। आज मां काली के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां काली का वरदहस्त आज मानव जात जिस कोरोना के कारण अनेक संकटों से गुजर रही है, मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जिस मंत्र को हमने जिया है, वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कार की विरासत है, हम पूरी मानव जात के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मुझे 51 शक्तिपीठ में से एक मां काली के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। मेरी कोशिश रहती है कि मौका मिले तो इन 51 शक्तिपीठों में कभी न कभी जाकर के अपना मत्था टेकूं। आज जब मैं इस पवित्र धरती पर आया हूं और मैंने सुना है कि हां मां काली की पूजा का जब मेला लगता है, बहुत बड़ी तादाद में भक्त सीमा के उस पार से भी और यहां से भी यहां आते हैं, उसी प्रकार से यहां पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहां आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। यहां के लोगों के कोई सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक अवसर हो तब भी उनके क्लान में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। इस हेतु से भारत सरकार यहां पर इस निर्माण कार्यों को करेगी। मैं बांग्लादेश सरकार का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए, इस काम के लिए हमारे साथ शुभकामनाएं प्रकट की हैं। मैं फिर एक बार मां काली के चरणों में प्रार्थना करता हूं और सभी मानव समाज के कल्याण के लिए फिर एक बार प्रार्थना करता हूं।